पीएम मोदी अपनी चुनावी रैलियों में बार बार ये ऐलान कर रहे हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में खतरनाक एजेंडा छिपा है, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कांग्रेस सरकार आने पर देश में आर्थिक सर्वे का बड़ा दावा किया है। लेकिन अब राहुल के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले सैम पित्रोदा ने अमेरिका में बैठकर ऐसा बयान दे दिया जिस पर बवाल मच गया। माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगल सूत्र छीने। There is an inheritance tax. मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले किया कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। 24 के चुनावी चिराग से निकला विरासत टैक्स ताजा तरीन तूफानी और दोधारी मुद्दा, जिस पर जोरदार सियासी घमासान छिड़ा है। बीजेपी हमलावर हो गई है, कांग्रेस ने भी पलटवार जारी रखा है, लेकिन कोई भी मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं है। आखिर क्या है ये विरासत टैक्स? कौन है इस विरासत टैक्स को सुर्खियों में लाने वाले? क्या विरासत टैक्स की एंट्री 24 के चुनाव में टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है? इसे जाने और समझे, उससे पहले विरासत टैक्स का बखान सुनिए। कांग्रेस के ओवरसीज चेयरमैन सैम पित्रोदा क्या कह रहे हैं समझिए। देयर इज अ इनहेरिटेंस टैक्स, सो इफ लेट्स से वन हैज $100 million वर्थ ऑफ वेल्थ एंड व्हेन ही डाइज He can only transfer probably 45% to his children. विरासत टैक्स की वकालत बीजेपी के लिए बिन मांगी मुराद बन गई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस घोषणा पत्र पर पिछले कई दिनों से निशाना साध रहे थे। राजस्थान के बांसवाड़ा रैली से ही पीएम मोदी ने कांग्रेस के इरादे पर सवाल दागने शुरू कर दिए थे, और जैसे ही पित्रोदा ने विरासत टैक्स पर बयान दिया, मोदी ने मोर्चा संभाल लिया। मोदी के साथ ही बीजेपी के तमाम दिग्गज एक्शन मोड में आ गए। कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब बात संपत्ति की हो, सोने चांदी की हो, मंगल सूत्र की हो, तो भारतीयों के इससे सेंटिमेंट जुड़ते हैं। मोदी कई दिनों से यही तार छिड़ रहे थे, चुनावी रैलियों में जनता को समझा रहे थे। कांग्रेस की तरफ से जैसे ही बयान आया, सेंटिमेंट हर्ट होना स्वाभाविक था। गृह मंत्री अमित शाह ने पित्रोदा के बयान पर निशाना साधते हुए उन्हें कांग्रेस के घोषणा पत्र का स्क्रिप्ट राइटर बता दिया। पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। वहीं सैम पित्रोदा के बयान पर बवाल मचा तो कांग्रेस ने इससे पल्ला झाड़ लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद को मामले से अनजान बताया, हालांकि कांग्रेस के ही उदित राज सैम पित्रोदा के समर्थन में है। लाखों करोड़ या हजारों सैकड़ों करोड़ जिनके पास संपत्ति है,
वो संपत्ति से टैक्स लेकर के 80 करोड़ जो गरीबों को 5 किलो मुफ्त राशन पर मोदी जी जिंदा कर रहे हैं, इनका भी भला हो जाए। उधर राहुल गांधी देशवासियों को संपत्ति सर्वे की जरूरत समझाने की कोशिश में लगे हैं। आप ये मत सोचिए कि जाति जनगणना सिर्फ कास्ट सर्वे है, वो जाति का सर्वे है, मगर उसमें हम इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल सर्वे भी जोड़ेंगे। कांग्रेस संपत्ति सर्वे कराने के बाद क्या विरासत टैक्स लगाएगी? पित्रोदा ने जिस अमेरिका को उदाहरण देकर टैक्स की बात कही, वहां क्या नियम है? अमेरिका में अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है और उसका निधन हो जाता है तो उसके बच्चों को केवल उस प्रॉपर्टी का 45% हिस्सा ही मिलता है, बाकी 55% प्रॉपर्टी सरकार के पास चली जाती है। इसे ही अमेरिका में विरासत कर या फिर इनहेरिटेंस टैक्स कहा जाता है। ये टैक्स संपत्ति पाने वाले व्यक्ति को देना होता है। taxfederation.org रिसर्च के एक सर्वे में बताया गया, कई देश अलग अलग प्रतिशत में टैक्स वसूली करते हैं। जापान में ये 55% है तो इटली में सबसे कम 4%। हालांकि इस विरासत टैक्स में कई पेचीदगियां हैं। अमेरिका के ही सिर्फ 6 राज्यों में ये लागू है। कहीं इसका प्रतिशत 10 से शुरू होता है तो कहीं 20 से। लेकिन इस विरासत टैक्स का गुणगान करने वाले सैम पित्रोदा को बीजेपी ने इतनी संजीदगी से क्यों लिया, इसे भी अब समझिए। सैम पित्रोदा का पूरा नाम सत्य नारायण गंगाराम पित्रोदा है। सैम पित्रोदा का जन्म 4 मई 1942 को उड़ीसा के तितलागढ़ में हुआ था। 80 के दशक में भारत की दूर संचार और प्रौद्योगिकी क्रांति की नींव रखने का श्रेय पित्रोदा को दिया जाता है। कांग्रेस सरकार के बुलावे पर साल 1984 में वो भारत आए और दूर संचार नीति को नई दिशा दी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबी सैम पित्रोदा भारत के दूर संचार आयोग के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। साल 2017 में राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सैम पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। राजीव गांधी के परम मित्र और राहुल गांधी के भरोसेमंद सैम पित्रोदा विवादित बयानों के चलते कई दफा सुर्खियों में रहे हैं। हालांकि इस बार उन्हें विरासत टैक्स की चर्चा पर सफाई भी देनी पड़ी है, लेकिन लगता नहीं बीजेपी इस मुद्दे को आसानी से ठंडा पड़ने देगी, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की बनाई पिच है जिस पर कांग्रेस बुरी तरह से घिर गई है।